सियासत में राजभर की फाइट, सूर्य कुमार यादव ने क्या पियड़का चाचा को कर दी टाइट। लाइमलाइट में मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव, कहने वाले कह रहे आपने तो अहीरो के अपमान का बदला पियड़का चाचा से ले लिया। सूर्य कुमार यादव ने क्या ओपी राजभर की पिटाई की, सोशल मीडिया पर तर्क सुनेंगे तो कहेंगे वाकई में ऐसा है क्या। कहते राजनीति की दुनिया में कब नेताओं की जिंदगी में काले बादल मंडराने लगे कोई डंके की चोट पर यकीनी तौर पर नहीं कह सकता। सियासत के काले बादल कभी भी अपने साए में लपेटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। घोसी उपचुनाव में एक हार ने उनकी पूरी सियासी जिंदगी को बदल कर रख दिया। खुद का उनका विश्वास चला गया, जिससे दोस्ती की थी अब वही उनसे किनारा करने की फिराक में है। जो दुश्मन कभी सीमित थे अब असीमित है, अब वो एक एक कर उन्हें अपने शब्दों से अपनी सियासत के लपेटे में ले रहे हैं। जिस राजभर समाज उन्हें विश्वास था, उसी राजभर समाज के अंदर ओपी राजभर के लिए एक अलग भाव पैदा हो रहा है। कोई भी कहीं से आता है, ओपी राजभर की बुद्धि वाली सियासत को लताड़ कर चला जाता है। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेटर धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के जरिए ओपी राजभर की सियासत को लपेटने का प्रयास किया गया। तो मान के चलिए ओपी राजभर कब किस बात को लेकर ट्रेंड में आ जाए कोई आकलन नहीं कर सकता। अब देखिए ना, कहा जा रहा है क्रिकेट के मिस्टर 360 स्काई यानी सूर्य कुमार यादव ने उनकी जबरदस्त तरीके से धुनाई कर दी। कहने वाले कह रहे हैं, दावा करने वाले दावा कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ने अहीरों के खिलाफ बेतुका बयान देने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की जमकर खबर ली। यादवों की बुद्धि 12 बजे आने के बाद करने वाले राजभर को 12 तरह के अलग अलग सितारे दिखा दिए। ऐसे तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल है, ऐसी बात क्यों कही जा रही है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले खेली जा रही वनडे सीरीज में धमाल मचाया। पहले मैच में जीत हासिल करने के बाद दूसरे मुकाबले में रनों का अंबार लगा दिया। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने शतक जमाया तो निचले क्रम में आकर सूर्य कुमार यादव ने एक ओवर में 4 छक्के जमाते हुए वापसी का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के लिए वनडे सीरीज को अहम माना जा रहा है। वर्ल्ड कप से पहले प्लेइंग 11 में जगह पक्की करने की कोशिश में उतरे सूर्य कुमार यादव ने दोनों ही मैच में गजब की बल्लेबाजी की। जहां पहले मैच में मुश्किल में फंसी नजर आ रही भारतीय टीम के लिए सूर्य कुमार यादव ने गजब बल्लेबाजी, कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर पारी संभाली और टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचाया। दूसरे मुकाबले में भी उन्होंने वही फॉर्म जारी रखी। ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन को एक ओवर में 4 लगातार छक्के जमाए। 44वां ओवर लेकर आए इस गेंदबाज को पहली 4 गेंदों पर छक्के पड़े और पूरे ओवर में 26 रन आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के शतक के बाद सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल के शानदार पारी के दम पर 5 विकेट पर 399 रन का स्कोर खड़ा किया। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा वनडे स्कोर है। 2013 में बेंगलुरु में टीम इंडिया 383 रन बनाए थे। भारत की शानदार जीत के बाद सूर्य कुमार यादव के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स ने ओपी राजभर की मौज लेनी शुरू कर दी। एक यूजर ने लिखा, बताया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने इसलिए ऑस्ट्रेलिया की इतनी बुरी तरह से पिटाई की क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ड्रेस पीली थी और पीला पीला देखकर सूर्य कुमार यादव को ओम प्रकाश राजभर के बयान की याद आ गई कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, बस गुस्से में लगा रहा बंदा पीला देखकर। तो दूसरे यूजर ने लिखा, अपने शब्दों के जरिए ओपी राजभर की सियासत की कुछ इस तरह से मौज ली। ओम प्रकाश राजभर जी को इतना भी ट्रॉल मत करिए कि अंतर्राष्ट्रीय नेता बन जाएं। अभी उनको यूपी के जिला और स्थान का नाम है, बाद में उनको हर एक देश का नाम याद हो जाएगा। इनको भी गेंद की तरह ही सूर्य कुमार यादव के बल्ले के सामने फेंक देना चाहिए, फिर ये उड़ने लगेंगे। तो एक और यूजर ने सूर्य कुमार यादव के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर कहा, सूर्य भाई अपना पक्का समाजवादी है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, सूर्य कुमार यादव ने इसलिए ऑस्ट्रेलिया की इतनी बुरी तरह से पिटाई की क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ड्रेस पीली थी और पीला पीला देखकर सूर्य कुमार यादव को ओम प्रकाश राजभर का बयान याद आ गया। हालांकि इस दौरान कुछ यूजर्स ने पीले रंग को ओपी राजभर से न जोड़ने के तहत अपना तर्क दिया, एक तरह से सलाह दी। उन्हीं यूजर्स में एक ने लिखा, भाई ये पीला रंग यदुवंशियों का रंग है, पीला रंग भगवान श्री कृष्ण का रंग है, भगवान श्री कृष्ण हमेशा पीताम्बर पहनते थे, इसलिए ये रंग हमारी सल्तनत का रंग है, ये रंग राजभर और ऑस्ट्रेलिया ने रजिस्टर नहीं करा लिया है। बहरहाल कहीं ना कहीं अहीर समाज के दिलों में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की वो बात ठहर सी गई जिसमें राजभर ने कहा था कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब जबकि ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पीले रंग की रही जिसके गेंदबाज की धुनाई मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने की, तो ऑस्ट्रेलिया में पीला गमछा, पीला कुर्ता और पीली टोपी को धारण करने वाले ओपी राजभर दिखने लगे। लोग कहने लगे, पियड़का चाचा की तो सूर्य कुमार यादव ने जमकर धुनाई कर दी।